मंडला जिले के तहत आती है बिछिया विधानसभा सीट। बिछिया कान्हा नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व एरिया के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर जो बाघों का रखरखाव होता है उसके लिए भी इसको कई तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन क्या बिछिया विधानसभा की पहचान विश्व में बनी है, इस पर हम पड़ताल करेंगे बिछिया के विधानसभा में और लोगों से करेंगे बात। मंडला के बिछिया विधानसभा में क्या है लोगों के मुद्दे? विधानसभा चुनाव आने वाला है, वोट डालते होगे ना? वोट डालते हैं। यहाँ सुविधाएं हैं, डॉक्टर मिलता है, इलाज होता है अस्पताल में? अस्पताल में आप इलाज होती है, मिल जाते हैं डॉक्टर, सब तरह के डॉक्टर हैं। हाँ, कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ता? बाहर नहीं जाना पड़ता। बाकी रोजगार मोजगार यहाँ पे मिल जाता है, काम वगैरह मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है थोड़ा 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 थोड़ा। कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ता काम? बाहर ज्यादा हम नहीं जाते हैं। उतना मानदेय मिल जाता है, उतना पैसा मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है काम करने। सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है क्या? जी हाँ, मिल रहा। किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर, राशन कार्ड है, हमको अनाज मिलता है। हाँ। और आवास बना हुआ बन गया है। हाँ। पर लास्ट किस्त 18,000 रुपए नहीं मिला। भ्रष्टाचार हो गया क्या? क्या आवास के पूरे पैसे नहीं मिले? जी, पूरा पैसा नहीं मिला। जो सचिव है हमारे पंचायत का, वो मिस्टॉल देख लूँ फिर तुमको जो करना है सो करना बोल दिया। तो मिस्टॉल देखा तो पैसा निकल गया, खा गया वो। हाँ। सहायक रोजगार। तो आपको नहीं मिली आखिरी किस्त? नहीं मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन करा लिया? जी जी कराया है। हाँ। मिलेगा पैसा? मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। राशन वगैरह मिल रहा है? जी, पूरा मिल रहा है राशन। हाँ। चावल नहीं, चावल मिलता है 35 किलो, 1 किलो शक्कर मिलता है। वोट डालती होगी ना? किसको वोट दोगी इस बार, यानी क्या सोच के वोट दोगी? कौन आप काम कर रहा है अच्छा यहाँ पे? हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम? मोदी कर रहा है सर। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी? घर वाला बन बना, पीएम आवास बनवा रहे हैं। बन गया तुम्हारा घर? जी बन गए। राशन वगैरह? हाँ, राशन भी मिलता है। और फिर आप अभी पैसा डला ही करते हैं, कागजात बने की नहीं? अच्छा, लाडली बहना वाले। रोडें सही हो गई हैं, लाइटें लग रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या है। ट्रैफिक दूसरी समस्या है, बाईपास देना चाहिए। तीसरी चीज़, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। 80% एक्सीडेंट आपको रायपुर या मंडला के बीच में, सबसे ज़्यादा बिछिया में होते हैं एक्सीडेंट। इसके बाद में आप देखा जाए तो यहाँ पर ऑटो की पार्किंग या मार्केट की सुविधा, मार्केट्स फ्राइडे के दिन आप देख लीजिए इतनी समस्या होती है। बाहर की गाड़ियाँ आधा आधा घंटे में, ये 3 किलोमीटर का जो दायरा है यहाँ से बिछिया से बाहर करता है, 3 किलोमीटर आधे घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं लोगों को निकलने में। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सफाई को लेके, सफाई भी उतनी अच्छी नहीं है। विकास तो हुआ है, मैं जी मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो विकास ऐसा हो रहा है जो अमीरों के लिए हो रहा, गरीबों के लिए कोई विकास नहीं हो रहा। पानी की समस्या है, अभी हमारे बाड़े में पानी की समस्या है। पूरा मोहल्ला कम से कम 100 घर के एक उसमें पानी पी रहा है। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है सरकार, जब से बनी है तब से आवास दिया है, नल जल दिया है, रोड दिया है। वैसे सरकार का बहुत अच्छा विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। अब थोड़ी घंटा 2 घंटा कटौती होता है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे, पानी है। और कुछ कुआ बावल जैसे अधूरी पड़े हैं पंचायत से, वे तो नहीं बना है। शौचालय वगैरह? शौचालय वगैरह भी नहीं बना है। विधानसभा के चुनाव में इस बार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी उत्सुकता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस युवा वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगाने का काम कर रहे हैं। जहां बीजेपी सरकार ने नई युवा नीति का ऐलान किया है, वहीं सीखो और कमाओ योजना के तहत भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी
युवाओं को स्टाइफंड देने की बात कर रही है, लेकिन पहली बार वोट देने वाला वोटर क्या सोचता है? आप 18 के हो गए, वोट के अधिकार हो गए, क्या सोचकर वोट दोगे? पहली बार जब अपना वोट का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा जहन में, कि किस तरीके के व्यक्ति को आप चुनेंगे? पहली बात तो हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी सीखो और कमाओ योजना क्या है, जैसे हमारे ग्रेजुएट लोगों को 8000 हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? आ गए आप? नहीं हुआ, फिर करेंगे। क्या यहाँ पर शिक्षा मिल रही है, पर्याप्त शिक्षा के अवसर हैं यहाँ पर बिछिया में? जी सर। किस तरीके के कोर्स कराए जा रहे हैं कॉलेज में? कॉलेज में सर यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और इंजीनियरिंग, और मेडिकल करना हो या कोई आईटीआई करनी हो तो सर उसके लिए मंडला जाना पड़ेगा सर। यहाँ सुविधा नहीं है? आईटीआई की सुविधा है सर, आईटीआई है यहाँ पे, पॉलिटेक्निक नहीं है? नहीं सर, पॉलिटेक्निक है सर यहाँ पे, एनसीसी कंप्यूटर। और इंजीनियरिंग करनी हो तो बाहर जाना पड़ता है? बिछिया विधानसभा ऐसा है कि यहाँ की जनता भी हर एक पार्टी को हर 5 साल में बदलने का काम कर देती है, लेकिन लगातार बदलाव के बाद भी क्या बिछिया के विधानसभा में विकास में कोई बदलाव आया है, इसको लेकर हम सवाल करेंगे। बात सबसे पहले बीजेपी से ही करेंगे, पिछड़ेपन का शिकार नजर आ रहा है ये। देखिए, इस 4 साल में निश्चित हम 25 साल पीछे चले गए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में पंडित सिंह ध्रुवे जी थे, हम लोगों ने क्षेत्रों में आने जाने का, गांवों को जोड़ने के लिए हम रोडों का जाल बिछाए, बिजली की व्यवस्था बनाए, कस्तूरबा गांधी स्कूल खोले ताकि वहां गांव के बच्चे छात्रावास में आकर के रह सकें। ये 4.5 साल में मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के विधायक जब से बने हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने में 90 मास्टर शहरों में चले गए, ये काम यहाँ के विधायक ने किया, ये काम कमलनाथ जी ने किया। एक बार और कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, झूला पुल के लिए 4 बार भूमि पूजन किए, इस मंडला जिले को गोद लिए, लेकिन मंडला जिले में 1 रुपए देने की ताकत नहीं थी, ये कांग्रेस के 15 महीने का कार्यकाल था। क्या लग रहा है मैडम, कहां पर चूक हो गई, क्योंकि बिछिया उतना विकसित तो हो नहीं पाया? लगभग 18 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और विधायक तो है यहाँ पे कांग्रेस का। उसी विधायक के 5 साल के कामकाज का कोई रिपोर्ट आप लोग दे दें? बिल्कुल, रिपोर्ट देने के लिए हम तैयार हैं। हाँ। जब मध्य प्रदेश में 18 साल बाद कांग्रेस, 15 साल बाद कांग्रेस सरकार बनी, 15 महीने का केवल समय मिला, इस बीच में सम्मानित विधायक जी ने बिछिया विधानसभा के लिए बहुत से चार पाँच काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछिया विधानसभा से कितना बड़ा छलावा किया है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश छलावा किया। आप तो काम बता दीजिए विधायक जी का। मैं काम बता रहा हूँ ना विधायक जी का, वेटनरी कॉलेज, इतनी बड़ी, इतना बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अंदर, एक ही कमलनाथ इलाज मिल रहा है उसमें पूरा, सुनिए तो, छलावा किया गया है। जैसे ही कांग्रेस की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई, वेटनरी कॉलेज को बंद कर दिया गया, 1 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने जिसको दिया था वो भी खत्म कर दिया गया है। आज कम से कम तीन क्या हुआ ये भी तो बता दो आप। तीन बातें तो यहाँ बिछिया में पावर प्लांट का निर्माण किए, स्टेडियम कमलनाथ जी ने यहाँ बिछिया विधानसभा में दिया, जो भी आज ठंडे बस्ते बन गया, बन गया राशि, आज भी 80 लाख रुपए जमा है, दो बार मुख्यमंत्री। हुआ क्या है पावर प्लांट ओवर हाउस यहाँ पर बन गया, जनता पार्टी ने जिस तरह से किया है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ नहीं पाया आपने बताया कि स्टेडियम मंजूर हुआ, वेटनरी कॉलेज मंजूर हुआ, नहीं मैं आपके आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, मैं आपको प्लीज आंकड़ों के साथ। 2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहला काम किसानों के कर्ज माफी का कमलनाथ जी ने किया। मैं विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा हूँ, विधायक जी के होते हुए माननीय रावण पट्टा जी ने यहाँ
बिछिया को संभाग स्तर बना के पावर प्लांट दिया जिससे 24 घंटे लाइट मिल रही है इस क्षेत्र पूरे बिछिया विधानसभा पावर प्लांट है यहाँ पर संभागीय स्तर का पावर प्लांट बनाया है और अंजनिया ब्लॉक अंजनिया ब्लॉक अंजनिया को उप उप संभाग बना के वहाँ भी पावर प्लांट बना मुख्यमंत्री जो अपने आप को मामा कहलवाने का बहुत शौक रखते हैं पावर प्लांट 132 केवी का माननीय दुर्गा जी की स्वास्थ्य के लिए तीनों ब्लॉकों में सामुदायिक भवन शिक्षा के लिए 50 हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने खुलवाया बन गया लेकिन यहाँ तो डॉक्टर एक ही है एक समय कॉलेज मैंने दो जगह खुलवाया अंजनिया का कॉलेज मैंने खुलवाया मोहई का कॉलेज मैंने खुलवाया शांति बेटरी कॉलेज को बंद हो गया ऐसे गाँव नहीं होगा जिसको मैंने संपर्क मार्ग से नहीं जोड़ा सब गाँव में संपर्क मार्ग से जोड़ा हर गाँव में बिजली पहुँचाया हर घरों में पीने पानी से जुटा कराया और हर क्षेत्र ठीक है ये एक मिनट नहीं हम पूछ लेंगे एक मिनट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक मिनट बिछिया अपना बाईपास मांग रही है माननीय पूर्व विधायक भाजपा के हैं मैं आप दोनों पूर्व विधायकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कहते हो सबका साथ सबका विकास यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मवई वनांचल में आपके द्वारा भूमि पूजन किया गया था मंगल भवन का उस मंगल भवन का क्या है कि 18 साल में आपको सरकार मंगल भवन बनाएगी मंगल भवन कहाँ गया मंगल भवन बोल रहे हो मंगल भवन कहाँ गया कहाँ का मंगल भवन का भूमि पूजन मंगल भवन मवई में बदुना अधूरा बना है उसका अभी पिछले समय जितने राशि स्वीकृत हुए थे सब कुछ यहाँ पर अधूरा ही नजर आ रहा है वेटनरी कॉलेज खुला वो नहीं हो पाया के लोगों ने स्टे लगाया था उसको कांग्रेस के लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में ले गए थे वहां से केस आ रहे पंडित सिंह ध्रुवे जी ने वो बिछिया में सामुदायिक भवन का काम करवाया हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमने काम करवाया इन लोग अपने काम गिनवा कॉलेज एक मिनट आप लोग जो विधायक घुघरी बस स्टैंड के लिए मेरे द्वारा 10 लाख रुपए स्वीकृत आदिवासी विकास परिषद उससे आदिवासी उससे कराया गया था उसको भी काय में डाल दिए पुलिया में आदिवासी पेंडिंग बन पाए नहीं एक 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 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर क्योंकि दोनों बातें कर रहे हैं लेकिन हर कुछ सब कुछ अधूरा है यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने दोनों पार्टी का सुना बीजेपी और कांग्रेस का ये 75 सालों से दोनों हैं कोई 18 साल की बुराई कर रहा है कोई 50 साल की बुराई कर रहा है लेकिन बिछिया की एक्चुअल स्थिति ये है कि ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं 10 साल पंडित सिंह ध्रुवे जी रहे और 10 साल माननीय वर्तमान विधायक जी रहे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्यों पीछे रह जा रही है तीसरे नंबर पर क्यों है मैं जनता से बोलना चाहता हूँ कि दोनों को देखा है एक बार परिवर्तन की बात बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस इसको बदलाव नहीं बोलते इनने गलत किया उसको मौका देते मतलब दोनों एक ही है एक गलत करने का मौका एक दूसरे को देते हैं लेकिन आज बिछिया की स्थिति देखेंगे आप गांव में जाके घूम के देखेंगे आप कैसी स्थिति आदिवासियों की स्थिति क्या बैगा वही के वही है बैगा प्राधिकरण बना के रखा हुआ लेकिन कुछ विकास हुआ क्या बैगाओं का पलायन हो रहा है बराबर पलायन हो रहा है आदिवासी आज पलायन करके जा रहे हैं पलायन हो रहा है यहाँ से तो रोजगार नहीं है कॉलेज हम देखा है 16 छात्र हैं शिक्षक नहीं है एक 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 विधायक जी ने किया क्या देखिए इतना साल से 76 सालों से ये दोनों कांग्रेस बीजेपी चला सत्ता चला रहे हैं अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ पे आके आप क्या करते हो मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता सदस्य गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लेकिन आम आदमी का क्या सोच है यहाँ पर आम आदमी बिल्कुल भी यहाँ विकास नहीं है किसी भी मतलब ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने इतने सालों से सत्ता में है अभी तक कोई भी विकास नहीं किया किसी भी मतलब ना अच्छे से यहाँ कॉलेज है ना यहाँ उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेज बनाया कोई भी काम मतलब कहना चाहिए कि अच्छे स्तर पे यहाँ पलायन देखिए 70 सालों से कांग्रेस और भाजपा
दोनों मिलके व्यापार कर रही, आज रेत का व्यापार हो या शराब का व्यापार हो, दोनों पार्टनर हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, रेत हो चाहे दारू हो या ठेकेदारी हो, हर चीज में जब दोनों मिलके काम करते हैं और जनता को ये धोखा देते हैं कि हम अलग अलग हैं, लेकिन आप व्यापार में देखो दोनों एक हैं। आप दोनों जो है ठीक है, ठीक है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बोलता है और बीजेपी कहता है कि विकास हुआ है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कोई विकास नहीं। क्या क्या जरूरत है? ना रोड का विकास हुआ है, ना पानी का मामला में विकास हुआ है। पानी नहीं आ रहा है, तड़ तड़ मर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। सिंचाई के पानी का, हां सिंचाई के पानी। अरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिएगा, नेता तो बोल देते हैं हम करते हैं, सरकार भी कहता है कि घोषणा करते हैं, लेकिन एक भी काम देहाती क्षेत्र में नहीं हुआ है। देखिए अभी तक बिछिया विधानसभा बोल चुके, आप पहले बोल चुके, दो बातें बोल चुके। जैसे कि अभी विधायक पूर्व विधायक लोग बोल रहे थे कि लाइट लाइट की बात कर रहे थे, यहाँ पैसे एक लागू नहीं है, अभी जमीनी स्तर में पैसे एक लागू नहीं है, लागू नहीं 60% पूरे विधानसभा में थ्री फेस है ही नहीं। और जल जीवन मिशन इसलिए फेल है कि वहाँ मोटर कैसे चलेगा, इन लोगों से पूछिए। वन उपज बेचने का अधिकार तो मिला है ना, नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, बिछिया विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है, ये पलायन क्यों हो रही है? मैं अभी यहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेस नारायण पट्टा जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसकी कार्यकर्ताओं से ये बताएं। पलायन वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधि है ना विधायक, इसकी ड्यूटी बनती है कि यार रोजगार का अवसर खोले, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार की बनती है, सरकार जनता ने क्यों उनको निर्वाचित किया लोगों को रोजगार दिलाने के लिए? मैं आपको बता दूं, ऐसा विधायक जो अपने घर के आंगन में जो वो है बस स्टैंड, वहाँ कीचड़ को साफ नहीं करवा पाता, तो जिले में बेरोजगारी बढ़ चढ़ करके है, इस कारण पलायन हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पलायन रोके। इलाज में युवा युवा क्या कह रहा है? युवा एक मिनट, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है बिछिया में? बिछिया का दौर भी चार साल में इतने डिले हो रहे एग्जाम, 2019 के एग्जाम 2023 में हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं। इस कारण पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, जनता ये जान रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस कारण से लोग पलायन कर रहे हैं। यदि एक मिनट, यदि जनता ने यदि स्वीकार करता तो अभी नगर परिषद में भाजपा की पार्टी जीतती, यहाँ कांग्रेस की पार्टी ने लोगों को वोट दिया। ये 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही और झूठे वायदा करके किसानों का कर्ज माफ करूंगी ये कर, आज इतने किसानों को डिफॉल्टर करी है उसने, जिसका 1.5 लाख का कर्ज था, 2,80,000 ब्याज सेहत बैंकों में किसान पढ़ाए, धोखा किया। कमल कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के मुद्दे हैं। नहीं नहीं नहीं, बोल दिया, बोल चुके वो, बोल चुके। बोलिए क्या ये बात पूछने की और जानने की है कि यहाँ के लोग जान रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो है उनने क्या किया, और बताने की बारी कितना कला बढ़ के चलाने से रोक नहीं सकता, क्या विकास है? आने वाले समय में जनता जवाब देगी इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2023 के विधानसभा के चुनाव में पिछड़िया की जनता फैसला किसके पक्ष में उसको वोट करना है। यहाँ लोग अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर 5 साल में विधायक बदल जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में पिछड़िया की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी ये बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि वो सीधे पिछड़िया के विकास से जुड़ा होगा। तो आप लगातार कहता है वोटर में आज बिछिया विधानसभा सीट पर, इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।